नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से। जब दोस्तों नेपाल के दो बड़े नेता और दो युवा नेता जिनके लिए नेपाल कहीं न कहीं मुसीबत क्रिएट कर रहा है और दूसरी ओर वो यहाँ पे सीधी चेतावनी दे रहे हैं जो विश्व के महाशक्ति हैं उनको। जी हाँ दोस्तों, यही बात आज सच हो रही है और यहाँ पे उन्हें जो नेपाल है, खुद नेपाल उनसे ही टकराव का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं नेपाल खुद से ही यहाँ पे ताने सहने पड़ रहे हैं जो गवर्नमेंट है उनसे। क्या ये मामला है पूरा, इसी के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नेपाल के अंदर देखा गया है कि अब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिल रहा है सरकार के अंदर, सत्ता के अंदर भागीदारी का, जिसके अंदर सबसे पहला नाम आता है बैलन शाह का। और बैलन जो शाह है वो मेयर हैं यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर हैं और इसी के अंदर जब यहाँ पे उन्होंने मुलाकात की अमेरिकी राजदूत से तो उन्होंने बहुत बड़ा कमिटमेंट किया। कहीं ना कहीं अमेरिका को चेतावनी दी, अमेरिका को समझाई वो चीज़ कि नेपाल किसी गरीब देश के अंदर में से नहीं आता है, नेपाल को उनकी सहायता की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि नेपाल आपकी सहायता करेगा जो आप नेपाली कल्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मंदिर बना रहे हैं अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दिखाता है नेपाल की तरफ से या फिर नेपाल के युवा नेताओं की तरफ से कि ये कितना जुनून है उनके अंदर। लेकिन उल्टा उन्हीं के ऊपर बोला जा रहा है, उनको कहा गया कि आप इस प्रकार से कैसे किसी भी दूसरे विदेशी राजदूत से मुलाकात कर सकते हैं, आपने ये गलत किया है, आपके पास किस प्रकार का एविडेंस है जिसके हिसाब से आप ये कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सफाई देनी पड़ी बैलन शाह को। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इन्हें कहा था और अब भी हम इन्हें कहा था कि आप प्रशासन के अंदर से जो यहाँ पे रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पूछना पड़ेगा पहले और उसके बाद आप हमसे मीटिंग कर सकते हैं। और उन्होंने भी पूछा था ये सब कुछ और उसके बाद बावजूद यहाँ पे मीटिंग करी थी। लेकिन कुछ लोग जो कि सोचते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा और उसके बावजूद मीटिंग कर ली विदेशी राजदूत से, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं नेपाल के जो अधिकारी वर्ग है या फिर हम कहेंगे प्रशासन वर्ग है वो उनको उत्प्रेरणा दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए दोस्तों तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता जो कि रवि लामिछानी है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दिए, एंगरनेस दिखाई देते हुए नजर आए भारत के ऊपर, भारत के जो अत्याचार जो समझ रहे हैं वो लोग, क्योंकि काली नदी है वहाँ पर पुल बनाया जा रहा है, वहाँ से एक बच्चे की हत्या कर दी गई, करी तो नहीं गई, मैं कहूँगा कि उस कंपनी की गलती की वजह से वो लड़का यहाँ पे मर गया। और उसके बावजूद अगर बात करें दोस्तों कई तरह के ऐसे एलिगेशन लगाते हुए उन्होंने कहा है कि हम इस प्रकार के अत्याचार नहीं सहन करेंगे, यानी कि स्पष्ट तौर पर उनका कहना है कि हम अब वो चीज़ नहीं होने देंगे जो कि यहाँ पे हमारी ज़मीन पर और हमारे यहाँ पे उद्देश्य के विरुद्ध या फिर हमें कहें कि हमारी इच्छा के विरुद्ध हो। लेकिन दोस्तों उनके ऊपर भी यहाँ पे हम ऐसे कहें कि खतरे की घंटी बहुत बड़ी मंडरा रही है। जी हाँ दोस्तों, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब भी उनके लिए कई मुसीबतें थी जिसके अंदर उन्हें था कि वो अमेरिका की नागरिकता भी रखते हैं और इसके साथ साथ वो नेपाल की नागरिकता भी रखते हैं, तो उन्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेटमेंट देना होगा। और अब भी वो यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है क्योंकि उनके जो यहाँ पे उनके पास जो आईडी है उससे कुछ ना कुछ पता चलता है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने जब वो अमेरिका गए थे उसके बाद वापस आए थे तो उन्होंने किसी प्रकार की नागरिकता में एक्सचेंज के लिए लेटर नहीं भेजा था, जो कि यहाँ पे मानना है कि सरकार का या फिर अनुच्छेद 10 का जिसके अंदर लिखा है कि आप अगर दूसरे देश की नागरिकता लेकर वापस उसी देश की यानी कि नेपाल की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको अलाउंस करना होगा, आपको सरकार को बताना होगा। लेकिन रवि लामिछाने का ये भी कहना है कि ये चीज़ मैंने नहीं की, मुझे पता है, लेकिन मेरा जो पहले का आइडेंटिटी कार्ड था वो सक्रिय था, चालू था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि सरकार ने पहले भी बंद नहीं किया था। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब वो अमेरिका में गए थे उस समय से अगर सक्रिय था उनका जो आइडेंटिटी कार्ड है नेपाल का, तो दोहरी नागरिकता वो भी हो गई। लेकिन उसमें यहाँ पे रवि का कहना है कि अमेरिका के अंदर तो फिर अमेरिका को लेना चाहिए इसके खिलाफ एक्शन और उनमें उनके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बात तो नेपाल की है। तो नेपाल के अंदर जब मैंने आया था तो मैंने अमेरिका का जो
यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड था तो वो तो बंद करवा ही दिया था। बात थी यहाँ पे नेपाल के आइडेंटिटी कार्ड की, तो वो मेरा पहले से ही चालू था। अब इसके अंदर क्या यहाँ पे मामला रहता है वो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए आज के लिए इतना रखता है, नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।